खबर बलौदाबाजार से है, जहां खेरा गांव में सोसाइटी अध्यक्ष, सरपंच और उप सरपंच की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शासकीय भूमि में अवैध मकान निर्माण और हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पदाधिकारियों ने दबंगई दिखाते हुए सोसाइटी के सामने खाली पड़ी शासकीय भूमि पर लगे हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया है, अपने स्वयं का मकान निर्माण करवा रहे हैं। मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने आज ग्राम खेरा कटान के जो महिलाएं हैं वो लोग उन लोगों ने आके अवैध पेड़ कटाई के संबंध में और अतिक्रमण के संबंध में शिकायत की है। इसका हम नायब तहसीलदार लवन से जांच करा रहे हैं। जी, सोसाइटी के अध्यक्ष रमणलाल यादव, उसके द्वारा हरा भरा पेड़ काटे गए सोसाइटी के और उसी में मकान बनाने की तैयारी के दोषों से न्यू शब्द लगा। फिर उसमें अभी क्या कर रहे हैं? अभी वो तहसीलदार आए थे सर, सरपंच यहाँ करके चले गए। नया सोसाइटी में उन्होंने एक पेड़ काटा है, वही में वही अध्यक्ष है सोसाइटी का, वो लोग उसने पेड़ काटा है, जगह उठा रहे हैं। हमारे ग्राम खैरा के सोसाइटी के सामने पेड़ का काटा रहे हैं, पेड़ को काटा गया है और वहाँ पे घर का मकान बनाने के लिए घर रायगढ़ के धर्मजयगढ़